हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दादरी में भीड़ द्वारा मोहम्मद इखलाक को पीट पीट कर मारे जाने की वारदात को गलत और गलत फहमी का नतीजा बताया है। खट्टर ने कहा कि मुस्लिम इस देश में रह सकते हैं लेकिन उन्हें बीफ खाना छोड़ना होगा क्योंकि गाय यहां विश्वास और आस्था की चीज है। और उसमें गोमांसम खाने से अपने आप को रोकेंगे, ये उनकी भावना है। तो आपसी सद्भावना ये उसे मुख्य विषय था। इस प्रकार की कोई बात जो पहले कही गई है वो न मैंने कही है और न ही उसका कोई संदर्भ है। मेरा तो यहां तक भी कहना है कि फिर भी मान लो उन शब्दों में से कोई शब्द ऐसा निकला भी हो मुख से, मेरी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ना कोई उद्देश्य था न उद्देश्य है किसी को किसी शब्द से कोई ठेस पहुंची हो तो मैं उस पर अपना फीडबैक करने के लिए भी तैयार हूं। सीएम साहब, ये जगह देखो जैसे अक्सर हमने देखा कि जब बयान उसको डिले कर देते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं, क्या ऐसा भी प्रयास तो नहीं है? जैसे आपने इंटरव्यू में कहा था वो एग्जैक्टली क्या कहा था अगर आपको याद हो तो? मुझे याद है कि किसी की भावनाओं को, यहां तक मैंने कहा किसी की मानव भावनाओं को ठेस पहुंच भी जाए उसको भी कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। हमारा देश कानून से चलता है, कानून व्यवस्था से चलता है। कभी ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए, हो जाए तो किसी को कानून अपने हाथ में लेना नहीं चाहिए। फिर वही कहना है कि हमको एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, इतना ही विषय है। जिस तरह अखबार के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, जिस तरह आपने कहा है कि दो लोगों को पेश किया गया, बड़ा सेंसिटिव इशू है। इसकी सारी की जानकारी मेरे को क्या, मैंने जो कुछ कहा मैंने आपको बताया है और इस समय एक सेंसिटिव इशू के ऊपर इससे आगे आपको बढ़ाना नहीं है। मैंने इतनी बात दादरी इंसिडेंट्स पे सर, व्हाट इज योर व्यू ऑन दादरी? देखिए प्रधानमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं, इवन राष्ट्रपति जी ने भी अपनी टिप्पणी की, इससे आगे मुझे कुछ नहीं। सर परसेप्शन एक ये है कि क्योंकि आप आरएसएस बैकग्राउंड से हैं इसलिए इसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, डू यू थिंक? बिकॉज पोलिटिकल पार्टी मेरा आज के संदर्भ में इतना ही कहना है कि हम एक दूसरे की भावनाओं को, समाज हमारा परंपराओं से सदियों से चला रहा है। कल भी मैंने आपसे सवाल किया था, हिमाचल हाईकोर्ट का कल एक जरूरी फैसला आया है, उसमें उन्होंने संविधान की धारा 25 का हवाला देते हुए केंद्र सरकार को कहा है कि गाय बैल बछड़ा इनके मारने की अनुमति सरकार किसी भी को नहीं दे सकती। मेरा वही कहना है कि भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, हमारा संविधान भी भावनाओं की कदर करता है, एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान में रख करके हमको अपनी सारी व्यवस्थाओं को बनाना चाहिए। ऐसा मैंने कभी नहीं कहा, समझाना बुझाना ही हमारा काम। सीएम साहब, अनिल जी अपनी ओर से मुहिम चला रहे हैं, उनसे कितना सहमत है?